चाल है आप लोगों के? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ फ्रैंकफर्ट, और क्या करने जा रही हूँ? मैं करने जा रही हूँ अपनी देसी ग्रोसरी करने। तो आप लोग भी साथ रहिए, हम आपको दिखाएंगे ग्रोसरी स्टोर में हम क्या क्या ले रहे हैं, और यहाँ का ग्रोसरी स्टोर कैसा होता है, और जो भी कुछ होगा फिर हमारे साथ रहिएगा। और खर्चा जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जो खर्चा होगा उसका बिल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। दिखाइएगा। नहीं कितने किस्म की टीज है ये रखा है इधर, तुमने जो उठाया था शायद ये वाली। अच्छा ये है, और ये है इसकी प्राइस 1 kg 949 की प्राइस का। अच्छा टपाल भी रखी है, दानेदार टपाल भी अच्छी होती है, मगर ये चूरो चाय रूबी डस्ट जो मजो जी यार ये अच्छी खासी सिंधी बोल दीजिए तो अच्छी बात है, अपने मुल्क की एक जबान है। ये तो खुली हुई है, ये मैं नहीं ले रही, बैग्स लेने मुझे, टी बैग्स तो ये ले लेते हैं। ठीक है डिसाइड हो गया। एक चीज दिखाएंगे देखिए, फिटनेट हर्बल फिटनेट, फिटनेस के लिए। ये फिटनेस के लिए नहीं, ये चाय पीने के बाद फितना फैलाने के लिए, इसमें साफ लिखा हुआ है फितने, यानी कि एक बार नहीं कई फितने आप फैलाएं, चाय पिए और आपके पर कोई असर ऐसा होगा कि आप फितने फैलाएं, फितना बन जाएंगे। तो भाई इसको तो फौरन बैन करना, मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे नजर आई थी। आप लोगों से व्यूअर से गुजारिश है कहीं भी आपकी चाय देखें इसको फौरन बैन करें, इसको इस्तेमाल ना करें। करे ना उस संडे का आपको बैन कर देगा, वो बहुत दूर है ना। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ टी सेक्शन में, और मुझको चाहिए थी चाय की पत्ती, मगर मैंने सोचा था कि इस दफा थोड़ी डिफरेंट लूंगी। हम लोग नॉर्मली लेते हैं पीजी टिप्स, तो ये मुझे वाइटल की चाय मिल गई, और मैंने सोचा कि इस दफ़ा ये लेके देखती हूँ। अभी सिर्फ मैंने एक ही पैकेट लिया था, और मुझे अगर अच्छी लगेगी तो मैं इंशाल्लाह फिर उसको दोबारा लेकर आऊँगी। तो असल बात ये हुई कि हम बड़े शौक से इस दिन ग्रॉसरी के लिए गए थे, और मगर हमारा शौक जो है वो उस वक्त उस पर मतलब काफ़ी उसको मायूसी उठाना पड़ी जब हम वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि उनके पूरे स्टोर में अंधेरा छाया हुआ है, यानी कि बिल्कुल लाइट्स ऑन नहीं है, और अंधेरे की वजह से ज़ाहिर है शॉपिंग करने में, प्राइसेस देखने में, चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये संडे है और संडे के दिन हमने जो है अपनी सिर्फ खोल तो लेते हैं हम अपना स्टोर, मगर ये कि हम लाइट्स वगैरह ऑफ रखते हैं ताकि बाहर से देखने वालों को ये लगे कि स्टोर बंद है। मगर होता ये कि सामने वो कियोस्क सा है, और वहाँ पे उन्होंने कुछ सिगरेट्स पानी और ड्रिंक्स वगैरह रखा हुआ है, तो लोग वो लेने के लिए जब अंदर जाते हैं और जब वो देखते हैं कि भाई इनका वो डोर भी खुला हुआ है जो अंदर पूरे स्टोर के लिए स्टोर में जा सकते हैं, तो फिर ये कि लोग अंदर जाके और अंदर से थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह कर रहे थे, मगर बाहर से देखने वालों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि अंदर पूरा स्टोर खुला हुआ है। कहने का मकसद ये है कि सारा स्टोर खुला तो था मगर लाइट्स ऑफ की हुई थी, तो बहुत मुझे मुश्किल हुई, अंदर गर्मी भी बहुत थी, अंधेरा भी था कुछ जगहों पे, तो बहुत अंधेरा था कि हमको समझ नहीं आ रही थी, चीज़ें ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। वो तो ये है कि मैं यहाँ पर अक्सर जाती रहती हूँ, तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, मगर मुझे उस दिन काफ़ी कोफ्त उठाना पड़ी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और सबसे ज़्यादा ये कि मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं बनी, और सारी पूरी वीडियो में अंधेरा अंधेरा जैसे कि आप देख रहे हैं तो आप लोगों को नज़र आया। बहरहाल जब मैं गई थी और मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ इसमें यहाँ शेयर कर लिया है। ग्रॉसरी हमारी काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई थी, कुछ चीज़ें रह गई थी और वो फिर घर आकर याद आई, और वही वजह है कि क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी तो डार्क हो रहा था एरिया, तो मुझे चीज़ें ढूंढने में मुश्किल हुई। तो ये हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग थी, और ये कर आके फिर हम लोग जो है वो शाम हो गई थी, और शाम को फिर हमने सोचा कि घर जाने के बजाय बाहर कहीं खाना खा लेंगे, तो फिर हम खाना खाने चले गए थे, तो आपके साथ वो वीडियोस भी शेयर की हैं, तो इनको भी इन्जॉय कीजिएगा। और
बस मैं यहाँ पर चीज़ें ढूंढ रही हूँ और एक दो चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी मिली। अभी मैं आपको बताऊँगी आगे कि मुझे क्या बहुत अच्छी चीज़ एक नज़र आई जो मैं लेकर आई हूँ, और मैं इंशाल्लाह फिर जब उसको टेस्ट कर लूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी कि वो कैसी है। यहाँ के निम्को भी बहुत अच्छे होते हैं, ये इंडिया से आते हैं बनकर और इनमें इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मैं अक्सर यहाँ से लेती हूँ। जी जनाब, ये है जैसे ये जो आप देख रहे हैं पंजीरी लड्डू, ये मुझे एक पैकेट नज़र आया पंजीरी लड्डुओं का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एक ही पैकेट लिया कि मैं पहले इनको टेस्ट करके देखूंगी, अगर ये मुझे पसंद आया अच्छी लगी तो फिर मैं यहाँ से लिया करूँगी। प्राइस थी इसकी 450, तो नॉट बैड 450 में अगर आपको पंजीरी के लड्डू, चार बड़े बड़े लड्डू हैं तो वो मिल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। बाकी हमने दूसरी चीज़ें भी ले ली थी, और क्योंकि सामान जो है वो काफ़ी दिनों का मैं लेके आती हूँ, अच्छा बल्क में लेती हूँ, स्टॉक अच्छा लेती हूँ, तो काफ़ी सारा हो गया था और मेरा बहुत जल्दी जल्दी यहाँ चक्कर नहीं लगता है, और इसके बाद जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हम अपने घर के करीब में जो एक देसी स्टोर है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा हमें एक्सपेंसिव मिलता है सामान। तो ये क्योंकि एक होल सेल स्टोर है तो यहाँ से सामान के प्राइसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पूरियाँ जो है ना, ये जो यहाँ से खरीदे थे। अच्छा क्या ख्याल है, ये ट्रॉली पूरी भर गई है? एक तो ना एक चीज, इन लोगों ने लाइट बंद कर दी है और प्राइस नहीं समझ में आ रहे हैं सही। अब मैंने उधर से दालें और मसाले उठाए, वो कुछ प्राइस है, जब मैं इधर आई हूँ तो कुछ और प्राइसेस है, मतलब कम बढ़ती भी है, एक एक यूरो का फर्क है। असल में मैंने उससे वर्कर से पूछा था, वो कह रहा है ये एक लीगल मसला है, आज संडे है, स्टोर का एक पोर्शन खुला हुआ है जिसकी इजाजत है, बाकी ये दूसरा पोर्शन है इसकी इजाजत नहीं, उन्होंने ये किया है कि हम इसी दिन आते हैं जिस दिन इजाजत नहीं होती। मुझे याद है एक बार पहले भी आए थे हम संडे को, और तो इस वजह से उन्होंने ऑफ किया कि ये देख नेक्स्ट टाइम में ख्याल रखो। अब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करेंगे कि हम संडे को नहीं आए, ताकि पूरा स्टोर खुला हो और लाइट्स भी ऑन हो। तो बहरहाल आज इधर रेट और चेक कर लूंगी ना, पर हमारा श्योर मजदूरी का काम शुरू हो गया है, मजदूर आ गया है अपनी गाड़ी में सामान। क्या बात है, ये है हमारा काम। नीचे देख के तो माशाल्लाह काफी सामान आ गया है, लगता है दो चार महीने की छुट्टी हो गई है। हाँ लंबी छुट्टी हो गई, लंबी छुट्टी हो गई। और फिर हम ग्रोसरी से फारिग होकर खाने के लिए आ गए थे, और हम ये फ्रैंकफर्ट से थोड़ी दूर एक सिटी है गीजन, वहाँ पर चले गए थे, और जिस उस रेस्टोरेंट में हम आए थे इसका नाम है रेड चिलीज़, और यहाँ पर हम अक्सर आते हैं खाना खाने, बहुत मज़ेदार खाना होता है। और इन्हीं की बराबर में एक शॉप है वो रेड फ्लेम के नाम से, जहाँ पर हलाल बर्गर्स वगैरह मिलते हैं और बच्चों को बड़े पसंद है, तो हम अक्सर व बेशतर यहाँ आते रहते हैं। आज मेरा कुछ स्पेशल देसी खाने को दिल चाह रहा था, कबाब शबाब, तो उसके लिए फिर हम स्पेशली रेड चिलीज़ आए थे। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आप लोग भी देखें और हमारे साथ रहें। मैंने मंगाए हैं लाम करी, और आपने मंगाए हैं ये मज़ेदार खाने, और मुझे समोसे भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनके समोसा चाट भी बड़ी अच्छी होती है, पकौड़ास भी अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है। आप खाना आएगा तो देखेंगे, टेस्ट करेंगे कैसा।
आप लोगों ने क्या क्या मंगाया बताएंगे? नहीं, तुमने क्या मंगाया मनीषा? मैंने बटर चिकन। बटर चिकन, वाह। आपने? बटर चिकन। आपने? कबाब। कबाब। आपने? मैंने वेजिटेबल मंगाई है, आलू बैंगन। आलू बैंगन है। और मैंने मंगाई है, मेरा ख्याल है मैंने भी कबाब और नाम करी मंगाई है। ये है बैगन मसाला, ये है ग्रीन चटनी, शामी कबाब जबरदस्त, क्या जी? बटर चिकन। बटर चिकन विद राइस, बटर चिकन विद राइस, लाम करी और ये ऊधम सी रोटियां तंदूर की है। तो आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।